नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया। वेलकम टू निरामय हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत लोगों को हुई है। बिल्कुल। और अगर आप इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सर्जरी बोलते हैं। बिल्कुल। बट हम इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको सॉल्यूशन बताएंगे। हम बात कर रहे हैं नेजल पॉलिप की। बिल्कुल। नेजल पॉलिप क्या होता है? नेजल पॉलिप एक तरह का बिनाइन ग्रोथ है जो कि नाक के अंदर की तरफ होता है, यानी ये नॉन कैंसरस होता है, कैंसर इसमें नहीं होता है। ये कैसे होता है? नाक में जब कंटिन्यूअस इरिटेशन होता है किसी कारण से, वो एलर्जी की वजह से हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो ये नेजल जो ट्यूमर है, जो पॉलिप है, ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो इसको ट्रिगर करती है, ट्रिगर यानी इसको बढ़ाती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, यानी अगर आपको एलर्जी की शिकायत है, आपके नाक से बहुत पानी बहता है, बार बार छींके आती है, तो कंटिन्यूअस इरिटेशन होता है इस नाक के एरिया में, तो आपको ये प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है। साथ ही साथ अगर आपको एस्मा है तो ये प्रॉब्लम आपको नेजल पॉलिप हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है, यानी आपके जो साइनस है उनमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज बहता है और ये एरिया जो है यहाँ पे इरिटेशन होती है, तो ये कुछ कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स है इस नेजल पॉलिप होने के। दोस्तों, वैसे तो देखिए नेजल पॉलिप जो है वो अपने आप में ही एक घाव टाइप का है, तो उसको पकड़ना बड़ा ही ईजी है, दिख जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ये अननोटिस्ड रहता है। स्पेशली अगर ये नाक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ है जहाँ पे आप इजीली देख नहीं सकते हैं, तो ये कई बार अननोटिस आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स हम आपको बताएंगे जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपको नेजल पॉलिप शायद हो सकता है। जिसमें सबसे पहला रीजन जो है वो है कि ब्लॉक नोज। आपका जिस साइड में पॉलिप है वो साइड, अगर ये साइड में पॉलिप है तो ये साइड लगभग ब्लॉक रहेगा। बड़ा है तो पूरा ब्लॉक रहेगा, अगर वो छोटा है तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, पार्शियल ब्लॉकेज हो रहेगा। तो ब्लॉकेज होने की वजह से आपको नाक के इस एरिया में एक भारीपन सा महसूस, आप नाक साफ करते रहेंगे बट वो ब्लॉकेज खुलेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने तो नाक पूरा साफ कर लिया तो फिर क्यों ब्लॉक नहीं खुल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि नेजल ब्लॉकेज, नेजल स्टफीनेस, भारीपन इस एरिया में रहता है। इसके अलावा रनिंग नोज, यानी नाक से आपके पानी बहता है, तो भी नेजल पॉलिप हो सकता है। इसके अलावा ब्रीदिंग थ्रू माउथ, क्योंकि आपका नाक जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं आपके, उसमें से अगर एक ब्लॉक है और अगर आप मान लीजिए भाग रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जिस टाइम पे आपको थोड़ी सी सांस की ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे आप मुंह से सांस लेने लगेंगे। कई बार रात को भी जो है ना, काफी लोग जो है वो मुंह से सांस लेते हैं जिनको नेजल पॉलिप रहता है। इसके अलावा स्नोरिंग, खराटे, काफी लोगों में स्नोरिंग होने का रीजन नेजल पॉलिप हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा है कि दर्द रहता है सर में, एक भारीपन सा रहता है, दर्द सा उनको महसूस होता है। बिकॉज़ कंटिन्यूअस लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, आपको जोर लगा के सांस लेनी पड़ रही है, इस वजह से सर भारी हो जाता है, कई बार साइनस जो एरिया है यहाँ पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। नेजल पॉलिप जो है उसकी वजह से लॉस ऑफ स्मेल भी देखा जाता है, वो सूंघने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अब हम दवाइयों में आते हैं, तो दवाइयां जो है बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडीज है नेजल पॉलिप की, ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा इन मेडिसिन से। पहली हमारी मेडिसिन है TMV या ट्यूक्रियम मैरम वैरम। यह मेडिसिन 200 पोटेंसी में आपको लेनी है, दिन में दो बार, सुबह और शाम को। जब हमेशा आपका नाक ऐसा लग ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग नाक में रहता है, नाक हमेशा बंद फीलिंग होता है, तब आपको यह मेडिसिन दिन में दो बार, सुबह और शाम को, दो दो बूंद करके लेनी है। बिल्कुल। नेक्स्ट मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिकम या एमोन कार्ब, ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, दिन में दो बार, सुबह और शाम को। ये मेडिसिन आप कब लें? जब आपकी आपको बहुत ज़्यादा छींके आ रही हो, यानी आप दिन भर छींकते रहते हैं बिकॉज नोज़ आपका ब्लॉक है, नाक से पानी गिर रहा है, इरिटेशन हो रहा है इस एरिया में, इस वजह से छींके बहुत ज़्यादा आ रही है, साथ में आपका नाक बंद रहता है, नेजल ब्लॉकेज है, और प्रॉब्लम जो है वो आपको रात को ज़्यादा होती है। रात को जब आप नींद में हैं या आप सोने जा रहे हैं या आप सोते हैं, उस टाइम पे आप अचानक उठ जाते हैं, सांस अच्छे से नहीं आ रही है, तो ये मेडिसिन आपको अमोनियम कार्बोनिकम 200 लेनी है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है थूजा।
तुजा बहुत ही शानदार रेमेडी है अगर आपका जो नेजल पॉलिप है ये बढ़ रहा है, इसमें एडिमेटस एक ग्रोथ नजर आ रही है, यानी उसमें वो ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, यानी बाहर वो निकल रहा है। इस कंडीशन में थूजा लेने से वो थूजा उस ग्रोथ को वहीं पे समाप्त कर देगी, उसको निकाल देगी, उसको खत्म कर देगी उस ग्रोथ को। थूजा किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी दवाई है। बिल्कुल, थूजा 30 आपको दिन में दो बार लेना है, सुबह और शाम को खाने के आधा घंटा पहले, जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता, यानी जब तक ये पॉलिप जो है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक। हमारी लास्ट मेडिसिन है फॉर्मिका रूफा। बिल्कुल, फॉर्मिका रूफा 30 पोटेंसी में आपको लेनी है दिन में दो बार, सुबह और शाम। किस कंडीशन में आपको लेनी है? आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, स्नीजिंग बहुत हो रही है, इस एरिया में इरिटेशन हो रहा है, लेकिन जो नेजल डिस्चार्ज होता है ना, जो नाक से पानी बहता है, वो थिक होता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ऐसा जब हो नेजल पॉलिप में, तो आपको फॉर्मिका रूफा 30 दिन में दो बार सुबह और शाम खाली पेट में लेनी है। देखिए दोस्तों, आई एम श्योर कि ये मेडिसिन यूज़ करने से आपको रिलीफ मिल जाएगी, बट अगर इन केस आपको ये मेडिसिन यूज़ करके भी रिलीफ नहीं मिलती है, तो फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के फिर पर्सनल कंसल्टेशन करके आप मेडिसिन ले। बिल्कुल, क्योंकि ये हम जनरल मेडिसिन बताते हैं, कई बार क्या होता है जनरल मेडिसिन के बाद पर्सनल कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।